अंजय। ना, अमी तुम्हारे संगे जाबो ना। जिस रास्ते पे तुम लोग चल रहे उस रास्ते पे कुछ हासिल नहीं होगा पंडित जी। मैं कह रहा हूँ इस रास्ते पे सिर्फ उम्र कैद और फांसी। पकड़े जाएंगे तब ना, जब तक मेरे साथ मेरा ये बमतुल बुखारा है। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मुझे जिंदा पकड़ सके। मैं आजाद हूँ और आजाद रहूंगा, और अंजाम के बारे में सोचकर डरने वाला देश के लिए क्या लड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। बॉम और पिस्तौल से सब लड़ाई नहीं लड़ा जाता। कांग्रेस भी तो लड़ाई कर रहा है ना, क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाए और उसको मजबूत करें। हाँ, लड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं गांधी जी को सुनकर। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही है। डोमिनियन स्टेटस यानी कि आधा राज, यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम और हुक्मरान होंगे अंग्रेज। विजय, पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले लोग खड़े होकर गाना गाएंगे लॉन्ग लिव द क्वीन। आपने की चांस है अपनी हर पॉलिसी डिसाइड करने से पहले अंग्रेज लोग की मंजूरी लेंगे और कहलाएंगे आजाद। अरे तुम्हें तो सभी बोझ हो दादा। अच्छा तुमने जा कि छुई बोलो ना, क्यों लोग तो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है, चाहे तरीका जो भी हो। उसके बाद देश को क्या चाहिए, क्या करना है, इसके बारे में वो नहीं सोच रही। अगर कांग्रेस के तरीकों से आजादी मिली तो गोरे साहब तो चले जाएंगे, उनकी जगह भूरे साहब आके बैठ जाएंगे और हालात वही के वही रहेंगे। अमीर और अमीर हो जाएंगे, गरीब और गरीब। एक ऐसा वक्त आएगा कि धर्म और जात पात के नाम पे इस देश में वो आग लगेगी जिसे बुझाते बुझाते आने वाली नस्लों की कमर टूट जाएगी। तुम कुछ भी कहो भगत, मैं हिंसा को नहीं मानता। नो वायलेंस। व्हाट इज वायलेंस, क्या है हिंसा बताइए जतिंदा। जब कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों पर अन्याय करता है, शोषण करता है, उसकी आजादी को छीनता है तो उसे हिंसा कहते हैं। लेकिन जब कोई अपनी जान और इज्जत के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है तो उसे हिंसा नहीं आत्मरक्षा कहते हैं, सेल्फ डिफेंस। भगत, यू आर ट्राइंग टू जस्टिफाई वायलेंस। वायलेंस आप जो करने जा रहे हैं उसे मैं हिंसा नहीं कहूंगा जतिंदा, उसे मैं आत्मरक्षा कहूंगा, सेल्फ डिफेंस। और वही हम करने की बात कर रहे हैं। गो टू हेल। बोलो कहां चल के मरना तुम लोगों के साथ। দাদা এই কথাটা ভালো করে বলো না। হ্যাঁ কি ভালো করে বলবো, এ মানুষটা বন্দুক দেখাচ্ছে, তুমি গলা টিপছো। আচ্ছা বাবা রসগুল্লা খাও চলো।